निर्वाचन अनुसार सर जानना चाहेंगे कि कई दिनों से लगातार एक बड़ी फिल्म निर्माण आप कर रहे हैं गोरखपुर में, और जैसे कि बड़ा सहारा स्टेट है यहाँ पे, आप शूटिंग आज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भोजपुरी दर्शकों का स्वागत करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। हम यहां पर फिल्म अपराधी की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें खेसारी लाल जी हैं, मेघाश्री है, रितु सिंह है और रक्षा गुप्ता है। तो क्या कहना चाहिए फिल्म के लेकर के, किस तरह की फिल्म बन रही है, जैसे आपकी मेकिंग अलग होती है, और खेसारी जी को लेकर आपने तीसरी फिल्म करें कह सकते हैं, हैट्रिक और नागेश जी साथ में खड़े हैं, इनकी भी हैट्रिक आपके साथ, तो हैट्रिक वाला जो सिलसिला है क्या कहना चाहते हैं, हीरोइन भी हैं? बिल्कुल खेसारी जी के साथ मैंने मुकद्दर की और उसके बाद हमने बागी की और ये अब अपराधी कर रहा हूँ। और ये भी फिल्म जो है मेरी पिछली फिल्मों की तरह, जो मेरा जोनर है थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ा सा म्यूज़िकल, थोड़ा थ्रिलर, तो ये उसी जोनर की फिल्म है। और नागेश भैया हैं हमारे बड़े भाई हैं, शुभचिंतक हैं, ये हमारी पहली फिल्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकद्दर में भी थे, बागी में भी थे और इस फिल्म में भी हमारे साथ हैं। शुक्रिया। देखिए पहचान देने वाला मतलब मैं कौन होता हूँ, पहचान तो ईश्वर देता है, इनकी प्रतिभा थी, इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई, हम तो उसका एक जस्ट माध्यम बने। और इस फिल्म में भी इनका बहुत अच्छा रोल है और वो आपको पर्दे पे देखने को मिलेगा, अभी उसके बारे में पहले से बताना मतलब वो फिल्म के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी होगा। सर बात सही है, शेखर जी ने बात है कि ईश्वर की कृपा है सब कुछ, लेकिन ईश्वर जो ऊपर जाते, ईश्वर अपने बंदों को कुछ छोड़ देता है जमीन पापा की क्रिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हमारे शेखर जी हैं। जैसे आपने बोला मूसा का कैरेक्टर, जैसे उन्होंने आपने बताया कि हमारी प्रतिभा थी, प्रतिभा को निखारा किसने, संवारा किसने, एक शेप किसने दिया, एक उसको संगीत किसने दिया, किस रूप में ढाला, सांचा किसने बनाया, टैलेंट तो आप ही का है ना, लेकिन वो हमारे शेखर जी हैं, इनका बड़प्पन है कि वो किसको हमें उसका क्रेडिट दे रहे हैं। एंड सेकेंडली जो ये फिल्म की बात हो रही है, दोनों फिल्मों में मैंने काम किया, तीसरे में भी उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं इनके लिए इनका शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से तमाम दर्शकों के बीच में हम पहुँच रहे हैं, दिलों के बीच में हम जन जन के बीच में पहुँच रहे हैं, और डेफिनेटली हम उनकी उनके आप शुभकामनाएँ देते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं आपके माध्यम से। तो ये फिल्म डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि कहानी के बारे में आज तक अभी बोलना एक थोड़ा उचित नहीं होगा, न्यायसंगत नहीं होगा, तो इसके बारे में ना कुछ कहा जाए तो अच्छा है, परंतु ये कहानी जैसे शेखर जी ने कहा कि सस्पेंस थ्रिलर म्यूजिक का एक कॉम्बिनेशन एक ऐसा होगा जो डिश बनेगी ना, इट इज़ वेरी डिलीशियस डिश। देखिए खेसारी जी को लेके अब यही कहूँगा कि खेसारी जी एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं, और मैंने पहली फिल्म में उनके साथ की तो एक दिमाग में कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनके अलावा फिर मैं कोई कहानी सोच नहीं पाता हूँ, और उनके साथ काम करके मज़ा आता है, उनका जो भी कोऑपरेशन होता है मतलब 100% होता है, तो एक हमारी ट्यूनिंग बन गई है। हम लोग ने पिछली दो फिल्में की हैं, दोनों फिल्में सफल रही हैं, हिट रही हैं, बड़ी फिल्में रही हैं, आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला है, और ये तीसरी फिल्म हम बना रहे हैं साथ में मिलकर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी ये फिल्म भी उसी फिल्म की तरह हिट हो। इस फिल्म में खेसारी लाल जी हैं, साउथ की एक एक्ट्रेस है मेघाश्री, उनको आप ये कह सकते हैं कि शायद वो इस फिल्म से ये उनकी लॉन्चिंग फिल्म होगी, और रितु सिंह है, रक्षा गुप्ता हैं, नागेश भैया हैं, पालेश्वर सिंह हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं यूपी से। अभी इस फिल्म की शूटिंग तो हम लोग गोरखपुर में ही कर रहे हैं, और हमने कई जगह शूटिंग की, नौका विहार पे किया, विंध्यवासिनी पार्क किया, और यहाँ सहारा स्टेट में किया, और भी बहुत जगह शूटिंगें होनी है गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में ही हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर दर्शकों से, क्या मैसेज आएगा? देखिए दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी फिल्म का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी इंसान जो मतलब अपराधी, ये कहें कि हमारी फिल्म का टाइटल अपराधी है तो ऐसा नहीं है कि मतलब
अपराधी से मतलब ये कि उसने कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम किया है, वो करता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी बातें ऐसी होती हैं कि वो कुछ अच्छा करने की कोशिश में भी कभी कभी लोगों पर इल्ज़ाम लग जाता है। तो इस फिल्म की कहानी में भी कुछ ऐसा ही ताना बाना है कि वो सब चीज़ें अभी सस्पेंस है कहानी का, मैं वो अभी तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म में हर तरह की चीज़ें हैं और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। देखिए अभी तो और एक फिल्म है खेसारी जी के साथ जो मेरा स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। अभी जो पीरियड चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसको लेके कुछ प्लानिंग नहीं की जा सकती। अभी ये कोरोना का समय चल रहा है, ये फिल्म मैं पिछले 1.5 साल पहले शूटिंग करने वाला था लेकिन कोरोना के चलते नहीं कर पाए, तो अब ईश्वर की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से शुरू हुई है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लान करेंगे। देखिए फिल्में तो मैं एक्चुअली बेसिकली म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो मैंने लगभग सभी लैंग्वेज में म्यूजिक का काम किया है, और डायरेक्शन में मैंने भोजपुरी हिंदी फिल्में की हैं, तो हिंदी की भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैंने किए हैं, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो बहुत जल्द उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म में सबसे बड़ी बात है कि एक पारिवारिक फिल्म है ये पूरी, और लोगों का नज़रिया बदल जाएगा भोजपुरी के बारे में, जिससे जो चीज़ें हैं कि ये एक आप परिवार के साथ देख सकते हैं, साफ़ सुथरी फिल्म है, और आपको एक मनोरंजन के साथ में कुछ मैसेज भी इस फिल्म में, जैसा कि शेखर जी ने कहा कि इस समय इस वक्त उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं होगा, बट जो मैसेज है मैसेज जाएगा, और बहुत सारे मैसेज सामाजिक मैसेज हैं जो कि पारिवारिक हर घर घर की कहानी है, वहाँ पर मैसेज जाएगा वो। और इसके साथ में बात ये होगी कि एक फिल्म मनोरंजन के साथ में एक शिक्षाप्रद फिल्म भी होगी। और जहाँ तक अभी खेसारी जी के बारे में आपने पूछा, एक एज ए कलाकार मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ, हालांकि प्रश्न आपसे मुझसे नहीं पूछा बट परंतु फिर भी उसका उत्तर ये है कि जो मैंने उनके साथ अनुभव किया कि खेसारी जी के अंदर एक प्रतिभा ये है, एक कला अच्छे कलाकार होने के अलावा कि जो सह कलाकार हैं जो कि को आर्टिस्ट उनके साथ भी, उनको उतना ही वो उनको पैम्पर करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, और फिल्म में एक जान आ जाती है। ये खेसारी जी की विशेषता है। तो ये सारी विशेषताओं के साथ जब फिल्म आपके बीच में आएगी तो आप डेफिनेटली आप उसका आनंद लेंगे उसे, और उसको एंजॉय करेंगे। पारिवारिक फिल्म होगी अपराधी। बस यही दर्शकों से गुजारिश है कि अपने पूरे परिवार के साथ में जब थिएटर चालू हो जाएँ तो थिएटर के साथ में या फिर जो भी सीस भी प्लेटफॉर्म पर परिवार के साथ पूरी फिल्म का आनंद उठा। मैं सर ऑन स्क्रीन की बात, जहाँ तक मेरी बात है कि ऑन स्क्रीन तो मैंने बता दी कि कैसे उनका क्या नेचर है, बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री कर देते हैं सबको, मजाक मस्ती करके बीच में और कहीं भी जरा भी ऐसा लग नहीं था, स्ट्रेसफुल माहौल रहता नहीं है। और जहाँ तक उसकी पर्दे के पीछे की बात जहाँ करें तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्टिंग व्यक्तित्व है उनका, और तमाम कलाकारों के साथ में भी, नॉन आर्टिस्ट के साथ में भी, प्रोड्यूसर के साथ में भी सब उनका सपोर्ट रहा है। और यही वजह है कि आज इस मुकाम पे हैं, उनके इस मुकाम का नंबर देना, मैं तो देने वाला नहीं हूँ, आप लोग देने वाले हैं, जनता देने वाली है, वो कहाँ पर हैं आपको खुद ही मालूम है। तो यही मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ये जो नाम दिया गया, वही मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके जो एक बार मैंने पहले सुना करते थे कि साउथ में ऐसे होते रजनीकांत की फिल्म होती हैं, राजकुमार की फिल्म होती है, जो बड़े एक्ट्रेस की, वहाँ पे दूध से नहला जाता है। एक बार मैंने पर्सनल अनुभव भी किया, फिल्म बागी के रिलीज पे भी हुआ था ये सब, और मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से हुई थी। जब बागी रिलीज हुई थी तो उस समय भी खेसारी जी के पोस्टर्स को दूध से नहलाया गया था, तो वो परंपरा वहाँ से शुरू हुई है। और अब ये फिल्म मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो परंपरा जोर लगी है, जैसे नदी गंगोत्री निकलती, बाद में गंगा बनती है, फिर बाद में जब आगे अपने प्रवाह में आती गंगा, अपने गंगापन दिखाती है, तो दिलों के दिल में राज करती है। जहाँ पे गंगा का नाम जिस तरह पवित्र होता है, एक दिलों में छा जाती है, उसी तरह ये फिल्म अपराधी आपके बीच में, आपके दिलो दिमाग में छा जाएगी। अब देखो उनके बारे में क्या कहना, उनके बारे में कहना मतलब यह है कि वो सूरज को दिया दिखाना, वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, दुख दर्द में, हर तरह के सुख दुख में वो शामिल रहते हैं, सबकी फिक्र होती है उन्हें। हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, एक एक्टर हैं,
एक फैमिली की तरह हम लोग सेट पर रहते हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। मेरी पूरी टीम, मेरे कोई भी टेक्नीशियन, मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो, या उसे भी ऐसा नहीं लगता है कि वो एक एज ए टेक्नीशियन कर रहा है, उसको सबको यही लगता है कि हमारी अपनी फिल्म है और वो अपना फिल्म समझ करके, अपना फैमिली समझ के सारे लोग काम करते हैं। तो खेसारी जी का ये बड़प्पन है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू राज।